ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और WBJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में हमसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, इन शॉर्ट जुगाड़ तरीके से किस तरीके से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर में सीखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कम टाइम में अपने WBJEE का स्कोर बढ़ाना है और जादवपुर यूनिवर्सिटी को सिक्योर करना है तो आप सबको एनरोल करना चाहिए हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। WBJEE 2023 का एक ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, जिसके थ्रू आपका पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होगा, सारे के सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखोगे एंड ऑन स्पॉट फुल पेपर ट्रिक्स आप लोग उसके अंदर में देखोगे। अगर आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने स्कोर को इंक्रीज करना है, अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड में बिलीव करते हो, अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो, हमारे चैनल पे बिलीव करते हो, तो आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगर आपके 25-30 नंबर भी WBJEE के अंदर में बढ़ते हैं तो आपको वो डिफरेंस देखने को मिल सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, मेरी रैंक आई थी अंडर 1000 WBJEE के अंदर में, 849 रैंक मेरी आई थी और मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने 25 से 30 नंबर जो है बूस्टअप किए थे, अदरवाइज मेरी रैंक 5000-6000 इस रेंज में होती। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है इस कोर्स के अंदर में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करो, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, फिर अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करने के बाद में, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में आप लोग आराम से रिलैक्स करो। आपको डिजिटली जो है कोर्स कुछ घंटों के अंदर अंदर सेंड कर दिया जाएगा। आपके पास में कोर्स की जो एक्सेस है वो WBJEE 2023 के एग्जाम तक रहेगी। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी तब आप वीडियोस को देख पाओगे और उन सारी चीजों को जब आप सीखोगे, अप्लाई करोगे मॉक टेस्ट के अंदर में, और फिर जब आप फाइनल एग्जाम देकर के आओगे, आपको उससे बहुत तगड़ा जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके सारे कंपटीटर्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं हमारे चैनल को फॉलो करके, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो करके। अब आपकी बारी है, आप किस तरीके से इसके साथ में इंप्रूवमेंट करते हो ये आपको देखना है। मेरे तरफ से यार सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है WBJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, WBJEE 2019 के पेपर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस उठा लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन फिजिक्स का, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का और दो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का। इन चारों क्वेश्चंस में जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर में हम लोग जुगाड़ ट्रिक्स देखेंगे, तुक्का ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है ना, अगर एग्जाम में आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो किस तरीके से आपको जुगाड़ ट्रिक्स लगाना है, तुक्का ट्रिक्स लगाना है, इंटेलिजेंट गेसिंग लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है, ये सारी चीजें जो हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। अब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या है, अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग टाइप के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगते हैं। आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सीखना है तो आपको बैक टू बैक एपिसोड्स देखना पड़ेगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट है, फ्री प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैक टू बैक एपिसोड्स मैं आपके लिए बना रहा हूं 2023 के लिए, WBJEE के लिए आपको बैक टू बैक एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ आएगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे कैसे अप्लाई होती है। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, ये हमारे पास में मल्टी करेक्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, अब मल्टी करेक्ट के अंदर में अगर आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, समझना, जनरली क्या होता है मल्टी करेक्ट में, एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं जनरली, कभी कभी एक ही होते हैं लेकिन जनरली एक से ज्यादा होते हैं। राइट, अब यहां पर क्या पूछा हमको, यहां पर देखो रेंज दिया हुआ है, ठीक है, और हमको यहां पर एंगल अल्फा है। ठीक है, तो अब हल्का सा भी आपके अंदर में कॉमन सेंस होगा तो आपको पता है ना कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों में रेंज सेम होता है ना, सिंपल सा बात है यार। एक मान लो ये थीटा है तो ये रेंज होगा, ठीक है, एक मान लो ये थीटा है तो ये रेंज होगा, दोनों की रेंज सेम होगी, ये आपको पता है। राइट, सिंपल सी बात है ना, 60 डिग्री और 30 डिग्री में रेंज सेम होता है ना, 60 डिग्री में फेंकोगे तो ऐसे ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा और 30 डिग्री में फेंकोगे तो नीचे से ऐसे हो जाएगा। राइट, लेकिन रेंज जो है दोनों में सेम होगा। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर में रेंज सेम होता है, कॉमन सेंस है, आप फिजिकली भी देख के फील कर सकते हो और थ्योरेटिकली भी आपको पता होता है। तो अगर आपको यहाँ पे तुक्का लगाना है तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका 15 और 75 ये दोनों आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं ऑप्शन में और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री तो यार देखो 45 ही होता है। ठीक है, तो या तो आंसर 45 हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है,
75 और 15 होने का ज्यादा चांसेस है, ये फील करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो ये मल्टी करेट का सवाल है, सिंगल करेट का सवाल नहीं है, समझ रहे हो। अगर सिंगल करेक्ट होता तो हम 45 डिग्री मारते, क्योंकि फिर मल्टी करेक्ट नहीं हो सकता अगर सिंगल करेक्ट में है तो। लेकिन ये जो है ना, ये मल्टी करेक्ट के अंदर में क्वेश्चन आया था, तो यहां पर बेस्ट हमारे पास में क्या है कि आप 15 और 75 डिग्री को मारो, क्योंकि मल्टी करेक्ट में जनरली एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे साइकोलॉजी आपको, मतलब दिमाग आपको डेवलप करना है ना, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप लोग आओ, ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड। जैसे अभी तो क्या है, पहले से क्वेश्चन लेके मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, लेकिन मैंने जब पहली बार ये क्वेश्चन देखा था तो मेरा क्या अप्रोच था, ठीक है, वो वाला माइंडसेट आपको जो है कोर्स के अंदर में डेवलप होगा, ऑन स्पॉट ट्रिक्स का। पहली बार क्वेश्चन को देखो और तुरंत उसको टैकल करो ट्रिक से, ठीक है, और बहुत कम टाइम में टैकल करो, ये माइंडसेट आपका जो है कोर्स के अंदर में डेवलप होगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हो, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कभी भी आपको, मैं आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की साइकोलॉजी बता रहा हूं, कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए वाई 2x एक्स जेड, कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिख जाए जिसमें दो ऑप्शन आपस में क्या है, मल्टीपल सब मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल, क्या है, मल्टीपल सब मल्टीपल। अगर आपको दो ऑप्शंस ऐसे दिख जाए जो आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल है, तो बहुत हाई चांसेस है कि उसमें आपका जो है तुक्का सही लगेगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, इन दो में से कोई एक तुक्का लगाओगे, बाकी को आप एलिमिनेट कर दोगे। इसकी साइकोलॉजी समझाता हूं मैं। टीचर क्या करते हैं ना, कई बार आलस कर देते हैं, उनको ऑप्शंस बनाना रहता है, तो वो एक ऑप्शन को डबल कर देते हैं, दूसरा बना देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, दूसरा बना देते हैं, या फिर आधा कर देते हैं, है ना, इस टाइप का चीज वो कर देते हैं। तो जैसे यहां पर आप देखोगे ना, तो 25 का आधा 12.5 और 12.5 का डबल 25, तो 33.3 और 3 के होने के चांसेस बहुत कम है आंसर, ठीक है। कभी भी आपको दो ऑप्शन आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल दिख जाए, स्पेशली डबल दिख जाए, तो ऐसे केसेस में आपको समझ जाना है कि जो भी टीचर है जो ऑप्शंस बना रहा था, उसने थोड़े से आलस किया है उसने, और थोड़ा सा आलस में या तो 25 आंसर है उसको आधा कर दिया, या तो 12.5 आंसर उसको डबल कर दिया, थोड़ा सा आलस करके उसने जो है ऑप्शंस बनाया है। ये सारे टेक्निक्स देखो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है WBJEE के अंदर में, AIR रैंक मेरी 849 आई थी, तो आप लोग ट्रस्ट करके मेरे वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, अपने नंबर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। पढ़ाई नहीं करना ऐसा कभी नहीं कह रहा हूं, पढ़ के जितने नंबर आ रहे हैं वहां से बूस्टअप कैसे करना है ये बात मैं आपको जो है कह रहा हूं। तो अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है तो इसमें आप एलिमिनेट करोगे। बाय द वे इसका आंसर 12.5 है, चेक कर लेना आप लोग, है ना, चेक करके आप लोग जो है देख लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, WBJEE के अंदर में ना ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, डिविजिबल वाले। ऐसे क्वेश्चन में आपका सिंपल अजम्पशन मेथड का ट्रिक लगेगा, n=1 जैसे ही आप लोगे तो आपका ये बन जाएगा 7² + 16 × 1 - 1, तो ये इस तरीके का बन जाएगा आपका 49 + 16 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 49 और 16 हो जाएगा 65 - 1 = 64, ठीक है। तो 64 है तो ऑब्वियसली 64 से तो डिविजिबल होगा ही, बाकी से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर दूसरे तीसरे साल में आपका जो है आता है, तो इसमें सिंपल आपको फटाक से n=1 पुट करना और चेक करना है किससे डिविजिबल है। बाई चांस अगर n=1 में आंसर ना आए तो n=2 पुट करके देख लेना कि आपको बात क्लियर है, ठीक है ना। बट इस मेथड को फॉलो करना, डिविजिबल वगैरह के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। आप सिंपल वैल्यू डालो और बहुत आसानी से आप लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन को चेक कर लोगे WBJEE के अंदर में, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखो, कई बार क्या होता है WBJEE के अंदर में पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं होता आपको और सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, WBJEE में वैसे ही टाइम का शॉर्टेज होता है, ठीक है। प्लस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्या चेक करती है, आपका जुगाड़ भी चेक करती है, तभी तो आपको चार ऑप्शन दिए है ना, वरना सब्जेक्टिव पेपर हो जाता, राइट। तो आपकी थिंकिंग, ठीक है, आप जुगाड़ तरीके से कैसे फटाफट से टाइम को मैनेज करते हुए कैसे आप अपना काम कर सकते हो, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है चेक करता है। तो यहां अगर आप देखो तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, -2, सिर्फ इतना अगर आपने पढ़ लिया ना, बाकी को अगर आपने डिलीट भी कर दिया ना पूरा, तो भी आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लोगे। बच्चे क्या करते हैं, गधा मजदूरी करते हो, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है, 3-4 मिनट बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर खुद को शाबाशी देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो स्मार्ट बच्चा है, जो AR स्क्वाड का सब्सक्राइबर है, वो क्या करेगा, 3, -2 को पहले पुट करके देखेगा। तो जैसे ही वो पुट करेगा ऑप्शंस के अंदर में, ठीक है, तो उसको क्या देखने को मिलेगा, वाई की जगह उसको दिखेगा -2, प्लस एक्स की जगह उसको दिखेगा 3, ठीक है। और वो बोलेगा कि भाई ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये तो कट गया बट ये दोनों तो ऐड होंगे 6√3, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो सबसे पहले ऑप्शन ए को काट देगा, फिर वो ऑप्शन बी में चेक करेगा, वाई के जगह डालेगा -2, फिर एक्स के जगह डालेगा 3, ठीक है, फिर ये होगा 2, फिर ये होगा 3√3, तो वो देखेगा कि हाँ यार ये इक्वल टू हमारे पास में जीरो है, क्योंकि -2 और +2 भी कट गया और 3√3 - 3√3 भी कट गया, तो वो बोलेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो सकता है। फिर वो ऑप्शन सी को चेक करेगा, तो ऑप्शन
सी जैसे वो चेक करेगा वाई की जगह माइनस टू रखेगा, एक्स की जगह वो रखेगा थ्री, और फिर ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। वो बोलेगा यार ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे ही आपके नेगेटिव हो गए। समझ रहे हो आप बात को, सारे के सारे आपके नेगेटिव हो गए, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर वो ऑप्शन डी को भी चेक कर लेगा, एक्स के जगह आएगा थ्री माइनस एक्स के जगह आएगा थ्री, ठीक है, फिर आएगा प्लस टू माइनस थ्री रूट थ्री, तो ये कुल मिला के आपका आ जाएगा थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस सिक्स रूट थ्री, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन भी जो है एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट आंसर आपका बचेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो कितना फास्ट हो गया, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिना क्वेश्चन को पढ़े अगर आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है यार। ठीक है, अब बात बस यही है कि इस तरीके की जो थिंकिंग है मेरी डेवलप है, आपको अपनी अगर डेवलप करनी है तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर आ जाओ। ठीक है ना, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, WBJEE 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है हमारे पास में, उसके अंदर में आप लोग एनरोल करो, ये माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा, मोमेंटम आपको मिल जाएगा, WBJEE 2023 के अंदर में जो है आप झंडे गाड़ोगे। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डिटेल्स फिल करो करेक्टली और अपने पेमेंट को कंप्लीट करो, डिजिटली आपको जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा एंड आपके पास में उसकी एक्सेस जो है WBJEE 2023 के एग्जाम तक रहेगी। जितने मर्जी बार चाहो आप उतने मर्जी बार वीडियोस को जो है जब मन देख पाओगे। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।